नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों को। इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए इंटर्नशिप का आया सुनहरा अवसर। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने पार्ट टाइम पर इंटर्न की भर्ती करने के लिए आवेदनों की मांग की है, जिसके तहत इंटर्न घर बैठे बैठे कोविड-19 के इस माहौल में काम कर सकते हैं, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी उम्मीदवार को AICTE कार्यालय मंत्रालय और आसपास के संस्थानों का दौरा करना होगा, जिसके तहत सभी योग्य उम्मीदवार 30 जून 2020 तक AICTE की आधिकारिक वेबसाइट internship.aicte-india.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी आप ले सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो BA या BTEC उम्मीदवार जिन्होंने AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 70% अंक या 7.5 CGPA के साथ कम से कम 6 सेमेस्टर पास किया हो, वो आवेदन करने के लिए योग्य माने जाएंगे। नेपाल की कांग्रेस सरकार ने KP शर्मा ओली से मांगे जवाब। नेपाल में इन दिनों चीनी सैनिकों की आवाजाही बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, नेपाल के कुछ गाँव में चीन ने अपना कब्जा भी करना शुरू कर दिया है। क्रम में नेपाल की कांग्रेस सरकार ने चीन की सरकार से जवाब मांगा है। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने नेपाल की जमीन चीन में मिलाए जाने को लेकर टिप्पणी की है, जिसके तहत रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि ओली ने जब नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा जारी किया तो मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने समर्थन किया। इस मानचित्र में भारत के कुछ इलाकों को नेपाल का हिस्सा बताया गया था, लेकिन नेपाली कांग्रेस ने अब नेपाल की जमीन चीन में मिलाए जाने पर कड़ी आलोचना की है, जिसके तहत नेपाली कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि चीन में नेपाल के जो भी कब्जा किया है उस पर अपना नियंत्रण करे। 12 अगस्त तक मिलेंगे कैंसिल ट्रेन की रिजर्वेशन टिकट के रिफंड। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण कई लोगों ने ट्रेन में टिकट रिजर्व करवा रखे थे, जिसके बाद ट्रेन के परिचालन के बंद होने से यात्रियों के टिकट के रिफंड की प्रक्रिया शुरू करवा दी गई है, जिसके तहत लॉकडाउन के दौरान नहीं चल रही ट्रेनों के टिकट का रिफंड यात्री अब 12 अगस्त तक ले सकेंगे। VIP ट्रेन, लखनऊ मेल और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेन 12 अगस्त तक पूरी तरीके से कैंसिल कर दी गई है। वहीं ट्रेन में टिकट बुक करवाने वाले सभी यात्री टिकट बुकिंग के पैसे के लिए अब आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण मार्च से ही कई ट्रेनों का संचालन पूरी तरीके से बंद करवा दिया गया था। सिर्फ प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के लिए 1 मई से स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई थी। इस बीच आम यात्रियों के लिए 12 मई से नई दिल्ली से राजधानी स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बीते दिन कांग्रेस पार्टी पर जमकर टिप्पणी की है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से 3 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि मिलने का दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे डोनेट किया गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि परेशानी के बाद इन लोगों ने मदद के बजाय PMNRF UPA के कार्यालय में राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दान कर रहा था। PMNRF बोर्ड में कौन बैठा? सोनिया गांधी। राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सोनिया गांधी। यह पूरी तरह से निंदनीय है और नैतिकता की अवहेलना है। सिर्फ इतना ही नहीं, JP नड्डा ने अपने ट्वीट के जरिए कुछ दस्तावेजों को भी जारी किया है। गूगल भारत में छोटे कारोबारियों को लोन देने की कर रहा है तैयारी। गूगल ने भारत में छोटे कारोबारियों को लोन देने का फैसला सुनाया है, जिसके तहत गूगल ने हाल ही में कहा है कि भारत के लाखों मर्चेंट्स को लोन देने की पहल की जा रही है। यह सर्विस कंपनी इसी साल से शुरू करने वाली है, जिसके तहत गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप की शुरुआत की जा रही है। इस ऐप के जरिए क्रेडिट देने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंक्स के साथ काम कर रही है। भारत की कंपनी ने पिछले साल के आखिरी में गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप लॉन्च किया था। वहीं इससे अब तक 30 लाख मर्चेंट्स जुड़ चुके हैं। क्योंकि कोविड-19 के इस माहौल में छोटे बिजनेस को पैसे की सख्त जरूरत है, ऐसे में इस ऐप की मदद से टेक्नोलॉजी को अपनाकर डिस्पर्जन का काम किया जा रहा है और साथ ही रिकवर होने के लिए ऑनलाइन आ सके इसके लिए भी कोशिश की जा रही है। इस ऐप में ऐसा नया फीचर लाया गया है जिसके तहत बिजनेस अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं। गूगल सर्च में इन बिजनेस को ढूंढना भी आसान होगा। वंदे भारत मुहिम के तहत भारत वापस लौटे 3.6 लाख विदेशी भारतीय। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण दूसरे देश में फंसे भारतीयों की वापसी लगातार जारी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 7 मई को वंदे भारत मिशन शुरू किए जाने के बाद से अब तक कुल मिलाकर 3.6 लाख से अधिक भारतीय विदेश से वापस लौट चुके हैं। इतना ही नहीं, विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी बताया गया कि कुल 5,13,087 भारतीयों ने विदेशों में भारतीय मिशन से स्वदेशी वापस आने के लिए अपना अनुरोध दर्ज करवाया है। जिन लोगों ने पंजीकरण करवाए हैं उनमें से आज तक की स्थिति के अनुसार 3,64,204 लोग वापस आ चुके हैं और बाकी को भी जल्द ही जल्द वापस लाया जाएगा। इतना ही नहीं, विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 84,000 से ज्यादा भारतीय नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ट्रेन और अन्य माध्यमों से वापस बुलाए गए हैं। भारतीय रेलवे ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाने की उठाई जिम्मेदारी। भारतीय रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की मुहिम को तेज किया है, जिसके तहत भारतीय रेलवे ने 31 अक्टूबर तक 125 दिनों के लिए इन प्रवासी मजदूरों को काम देने का फैसला सुनाया है, जिसमें 6 राज्यों के 116 जिले के मजदूरों को इस योजना के तहत काम दिया जाएगा, जिसकी पुष्टि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने की है, जिसके तहत उन्होंने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि इंडियन रेलवेज
इन प्रवासी मजदूरों को 8 लाख व्यक्ति दिन का रोजगार देने का योजना बना रही है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर 1800 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसके तहत गरीब कल्याण रोजगार अभियान से 5 राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा और झारखंड के 116 जिले में प्रवासी मजदूरों को काम देने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, क्योंकि ये वो राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों की वापसी हुई है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में रात में बंद के नियमों में हुआ बदलाव। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण रात के दौरान बंद के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब मेरठ मंडल प्रशासन ने 6 जिलों में रात में होने वाले बंद के समय में संशोधन किया है। मेरठ मंडल ने सभी 6 जिलों में अब रात में 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद का माहौल जारी रखने का फैसला सुनाया है, जिसमें मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ का नाम शामिल है, जिसकी पुष्टि मेरठ डिविजनल कमिश्नर अनिता सी ने की है। साथ ही यह भी कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क या फिर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे, जबकि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में सभी को जाने से पहले की तरह रोक लगी रहेगी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने के लिए शुरू किया अपना नया चैनल। COVID-19 के इस माहौल के सभी लोग ऑनलाइन माध्यम पर कुछ ज्यादा ही निर्भर करने लगे हैं। इसी क्रम में बीते दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अब टेलीग्राम के माध्यम से सरकार पर निशाना साधने की तैयारी कर ली है। खबरों की माने तो राहुल गांधी ने अपना एक नया टेलीग्राम चैनल शुरू किया है, जिससे कि वो जल्द ही लोगों से सीधा जुड़ने का काम करने वाले हैं। साथ ही इस चैनल के माध्यम से सरकार के खिलाफ भी खूब बयानबाजी करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यह चैनल सार्वजनिक संदेश को बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है। खबरों के अनुसार राहुल गांधी संसद सदस्य का आधिकारिक टेलीग्राम चैनल जल्द ही सत्यापित हो जाएगा। उनके टेलीग्राम चैनल से अभी तक करीब 3500 सदस्य जुड़ चुके हैं। COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण डेनमार्क के प्रधानमंत्री को लगातार 4 बार टालनी पड़ी अपनी शादी। COVID-19 के बढ़ते प्रभाव ने सबकी परेशानी बढ़ा रखी है। सब कुछ बंद होने की वजह से जिन भी लोगों की शादियां थी वो भी स्थगित हो गई हैं। इसी क्रम में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन भी उन्हीं लोगों में से एक है जिन्हें COVID-19 की वजह से अपनी शादी टालनी पड़ी है। लगातार 4थी बार उन्हें अपनी शादी की डेट को आगे बढ़ाना पड़ा। जानकारों की माने तो प्रधानमंत्री ने जुलाई में ही शादी करने वाली थी, लेकिन जिस दिन उनकी शादी होनी थी उन्हें ब्रसेल्स में EU समिट में शामिल होने जाना है। इसकी वजह से उनकी 4थी बार अपनी शादी की तारीख को आगे बढ़ानी पड़ गई है, जिसके लिए उन्होंने फेसबुक पर अपने मंगेतर की फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि मैं इस बेहतरीन इंसान से शादी करने को लेकर उत्साहित हूं, लेकिन जाहिर है कि यह इतना आसान नहीं होने वाला है। जुलाई में होने वाली CTE की परीक्षा हुई स्थगित। COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जुलाई में होने वाली CTET की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है, जिसकी जानकारी मानव संसाधन मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल ने दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 5 जुलाई 2020 को CBSE द्वारा आयोजित की जाने वाली CTET परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। स्थितियां अनुकूल होने पर परीक्षा की अगली तारीख की घोषणा की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, CTET जुलाई 2020 का 14वां संस्करण 5 जुलाई 2020 को आयोजित होने वाला था, मगर COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण अब इसे स्थगित करने का फैसला सुना दिया गया है। ICC चेयरमैन बनने के लिए दावेदारों की रेस में है कई नाम। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के चेयरमैन शशांक मनोहर के विकल्प के नाम की प्रतिक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कि अगले सप्ताह तक पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि अभी चेयरमैन नियुक्त करने के संबंध में कई अहम फैसले लेना बाकी है। ICC बोर्ड ने इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस बात पर चर्चा की है कि नए चेयरमैन के लिए चुनाव करवाए जाए या फिर उनका चयन किया जाए। ICC बोर्ड के एक सदस्य ने कहा है कि प्रक्रिया को लेकर बातचीत जारी है, हमें यकीन है कि अगले सप्ताह तक पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अभी कई मसलों पर सर्वसम्मति बनी बाकी है, उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिसके तहत चेयरमैन के पद के लिए उम्मीदवारी पेश करने के लिए सदस्य को कम से कम 2 बार बोर्ड बैठक में हिस्सा लेना अनिवार्य होगा। साथ ही उसको संबंधित देश की मौजूदा या पूर्व निदेशक द्वारा नामित किए जाने की भी जरूरत होगी। 7 साल की छात्रा द्वारा किए गए काम की कहानी छपी किताब में। 7 साल की उम्र में छात्र छात्राओं की खेलने कूदने की होती है, मगर 7 साल की उम्र में ही एक छात्रा ने वो कर दिखाया है कि उसकी कहानी को किताब के माध्यम से हर छात्र को सुनाया जाएगा। जल की सुंदरता को बनाए रखने के लिए 7 साल की छात्रा ने यह काम किया है। जन्नत नाम की 7 वर्षीय छात्रा पिछले 2 सालों से डल झील की सफाई कर रही है। जन्नत अपने पिता के साथ एक छोटी नाव में बैठकर इस झील की सफाई करती है, जिसकी पुष्टि न्यूज एजेंसी ANI ने भी की है। साथ ही एजेंसी ने यह भी बताया है कि 2 साल से जन्नत श्रीनगर के डल झील की सफाई कर रही है। उसकी इस कहानी को हैदराबाद स्थित एक स्कूल के पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राओं को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुहिम की शुरुआत की है। इस वर्चुअल लॉन्चिंग के मौके पर राज्य सरकार के संबंधित विभागों के मंत्री भी मौजूद देखे गए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर कई सारे मजदूरों से बातचीत की। इस दौरान पीएम ने गोंडा की रहने वाली विनीता से संवाद किया। विनीता ने संवाद के दौरान कहा कि प्रशासन से सूचना मिलने के बाद महिलाओं के लिए समूह का गठन किया गया है। एक नर्सरी शुरू की गई है। अब एक साल में 6 लाख की बचत हो रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने बहराइच के तिलक राम से भी संवाद किया। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए सामने आए राजकुमार राव। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का प्रमोशन करने के लिए राजकुमार राव अब सामने आए हैं, जिसके तहत उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया से लिखा है कि आपकी याद आएगी भाई। और अब अभिनेता ने सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा को प्रमोट करने की जिम्मेदारी उठाई है। वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा को 24 जुलाई पर OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जारी किया जाएगा, जिसके तुरंत बाद राजकुमार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के पोस्टर को साझा किया है। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म के OTT पर रिलीज किए जाने के फैसले से लोग काफी ज्यादा नाखुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कुछ समय पहले फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज करने की मांग की थी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बेरोजगारी को रोकने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।